किसान ने वो दिल्ली वल नू कूच करनगे। आही दिल्ली दिया जीरा में तोड़ देंगे, मोदी दा कमांड तोड़ देंगे। जोंदे रहना बहुत ज्यादा जरूरी हुंदा, क्योंकि जो जोंदे नहीं रहांगे ते हक नहीं ले सकते हैगे। आही अपना हक अपना लेके जाना। ਇਹ ਕੂਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਪਏ ਨੇ, ਪੈਦਲ ਨਿਕਲ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਸੰਘਰਸ਼ ਜੀ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਣ, ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਹਾਲੇ ਨਾਕਾਮ। ਔਰ ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ मोदी जी को बताने के लिए कि हम लोग वहां पर बैठने वाले नहीं है, आपके अंदर भी आएंगे। मोर्चा फतेह कर लिया गया, आखिरकार हुण घरां नूं जा रहे ने किसान। कि हमारे जितने साथी यहाँ पर संघर्ष में बैठे हुए थे, तो तमाम के तमाम के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इनके सफरों को आसान करे। खुशी है कि विजय होकर जा रहे ने, ऐसी थी मन बड़ी खुशी है कि है। एक काफिला हुण इत्थे अपना सारा कुछ लैके वापस पंजाब चले किसान। वो चेंजेस जो इतने हुई हैं जी, हूँ पंजाब वो सेम थोनू दिखनगियाँ कुछ महीनों के बीचों बीचों ही। अपना के घर च पुत्र जन्मे की खुशी जिनी होंगी वो तो कितने ज़्यादा खुशी है, क्योंकि एक अपनी कौम ने एक इतिहास सिरजा है। जिन्हें भी इतने आ रहे हैं उन्होंने चेहरे देख सकते हो कि किस तरह चेहरे जड़े ने खड़े हुए हैं। ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਜਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੇ, ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾ, ਡਿੱਗਣ ਵੇਲੇ ਝਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਦਰਿਆ। ਜਜ਼ਬਾ, ਹੌਂਸਲਾ, ਹਿੰਮਤ, ਏਕਾ, ਜਨੂਨ, ਰੋਸਾ, ਗੁੱਸਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਿਆਰੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਤਾਕਤ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ। ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਹਾਕਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹਾਕਰਮਾਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਜਦ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵੱਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਹਾਕਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਕਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ
सदन को यह आग्रह करना चाहता हूं कि एक तो भारत सरकार की बुद्धि पर आपको इतना भरोसा होना चाहिए कि जो हम कानून लाए हैं उस कानून लाने का अधिकार भारत सरकार को है, यह मैं पहले भी कह चुका हूं। और दूसरा, ये जो मिनिमम मूल्य वाला आश्वासन एक्ट है, इसमें किसान को सिर्फ फायदा ही फायदा है। कोई भी व्यक्ति अब इस बिल के बाद किसान के खेत तक पहुंचेगा और किसान के खेत के मामले में किसी भी प्रकार का करार इस बिल में निषेध है। खेत का मालिकाना हक किसान का होगा, खेत के बारे में किसी प्रकार का करार नहीं हो सकता है, ये करार होगा सिर्फ फसल का। किसान को एपीएमसी से कोई दूसरा विकल्प भी होना चाहिए और मैं समझता हूँ कि यह वैकल्पिक व्यवस्था इन विधेयकों के माध्यम से हो रही है। इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य मिलेगा। ये विधेयक कृषि के क्षेत्र में जो फसल बेची जाएगी उसका 3 दिन में किसान को भुगतान हो, यह भी प्रावधान करते हैं। इन विधेयकों के मामले में अनेक प्रकार की धारणाएं बनाई जा रही हैं। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से सदन को भी और देश के किसानों को भी यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, यह विधेयक एमएसपी से संबंधित नहीं है। एमएसपी सरकार का प्रशासकीय निर्णय है। मैंने भी लोकसभा में आश्वस्त किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एमएसपी के बारे में अपनी बात कही है। एमएसपी जारी थी, जारी है और आने वाले कल में भी जारी रहेगी। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कृषि, किसान और एमएसपी के प्रति जो नियत है उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। लगातार इस दिशा में एमएसपी की बढ़ोतरी हो रही है। देश की सर्वोत्तम अते उच्च सदना दे विच अकाले कानून पेश होण दी देर के नाल ही बदलाव की हवा चल पई। अंदोलन जो हुणे तक सिर्फ धरनिआं तक सी उसने एक विकराल रूप धारण कर लिया। पंजाब भर दे विच चक्का जाम होण लग पए, बंद दे सद्दे दिते गए, गलियां चौंकां चुबारियां ते हकरमाना दे तानाशाही रवैये दे खिलाफ आवाज़ मारी गई। पंजाब दे विच खास करके एक अजिही हनेरी वगी जिसने पंजाब दी सियासत नूं विखला के रख दिता। उह दिन जद देश दे संसद दे विच खेती कानून पास किए गए, उस दिन सदियां तो चलदी आ रही बीजेपी अते शिरोमणी अकाली दल दी सांठ गांठ भी टुट गई। बिबा हरसिमरत कौर बादल वल्लों वजारत तों अस्तीफा दे दिता गया। कारण साफ, 2022 दियां पंजाब चोणां। जेकर श्रोमणी अकाली दल इस वेले भी स्टैंड ना लेंदी तां अमूमन इसका खामियाजा उन्हां नूं आउण वालियां इलेक्शंस दे विच भुगतना पैंदा। तकरीबन सीधा असर 20 लाख किसानां ते, घट तो घट 30 तों 50 हज़ार आढ़ती भाईचारे ते है। सीधा असर तकरीबन 15-20 लाख खेत मजदूरां ते है ते जिहड़े मंडी दे जिहड़े गरीब काम करदे है, लेबर करदे उन्हां ते है। कल्या नहीं, जिहड़ियां आम व्यापारी है शहर च, जे किसान मेहनत करदा, जे किसान दी चंगी फसल आउंदी है शहरां च खुशहाली आउंदी है, क्योंकि शहरां विच उवें व्यापार वधदा है। अपनी जिहड़ी खेती, अपनी इकनोमिक्स है पंजाब दी, खेती ते निर्भर अपनी बेस जान खेती है। पर जिहड़े ऑर्डिनेंस लियांदे गए है उस खेती ते हमला कर रहे हैं श्रोमणी अकाली दल ने। मैं जिवें जिक्र कीता, साडे मिनिस्टर ने कैबिनेट जदों सेंटरी सरकार लेके आई सी उत्थे टाइम भी विरोध कीता, ते मैं पार्लीमेंट च भी स्पष्ट कीता कि जिहड़ी आ सरकार, सेंटर दी सरकार जदों एक्ट लियाउण तों पहले मैं कहा कि श्रोमणी अकाली दल उस सरकार दा हिस्सा, पर सानू नहीं पुछया गया। श्रोमणी अकाली दल, क्योंकि पंजाब पूरे देश की खेती का सेंटर है, दिल है, घट तो घट श्रोमणी अकाली दल नू पुछना चाहिए चाहिदा सी, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल एक एक वर्कर, एक एक लीडर खेती बारे सारा कुछ जानते हैं, की कमियां, की खुशियां,
की हो सकता है? एजी पार्टी जी ने सारा जीवन ही खेती खेत किसानों में लाया, उस पार्टी भी पूछा गया पिछले 2 महीने तो साड़ी कोशिश ही कि सेंटर की सरकार जो भावना पंजाब के किसान दियाँ वो पंजाब के किसान दियाँ भावना वो भावना विच बिल दे विच लियाउण, पर अफसोस ना कहना पैंदा कि उन्होंने धक्के नाल पार्लीमेंट लियांदा, धक्के नाल पास करा दिता। राज्यसभा जो होया तुसी तुहानू जानदे हो, असी उस टाइम श्रोमणी अकाली दल भावें सरकार का हिस्सा सी, साड़ी मैंबर पार्लीमेंट मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल ने उस टाइम इस्तीफा दिता तो असी उस सरकार तो बाहर आए। उस टाइम मैं कहा सी कि नैक्सट फैसला असी अपने वर्करां कोले जाके वर्करां नूं पुछ के किसान अपने अपने जिहड़े सारे पंजाब दे लोकां नूं पुछ के फिर असी अगला फैसला साड़ी कोर कमेटी करूगी। तो पिछले कई दिनों चो मैं लगातार पंजाब दे विच अपने वर्कर साहबान नाल मीटिंग कीती, साड़ी लीडरशिप नाल गल कीती, ते अज श्रोमणी अकाली दल दी सारी लीडरशिप बैठ के फैसला कीता कि जेड़ी सरकार सेंटर दी सरकार जेड़ी एनडीए दी सरकार जिसने आ जेड़े तिने ऑर्डिनेंस लियांदे है जेड़े अपने पंजाब विरोधी है, सही बने ते देश दे किसानां दे विरोधी है, असी उस पार्टी दे उस एनडीए दा हिस्सा नहीं हो सकते। पंजाब भर विच रोज मुजारे करदे करदे अगे तरीक आ गई 24 नवंबर 2020 जदों शंभू बॉर्डर ते किसानां दा इकट्ठ हो गया। एक अजिहा जन सैलाब आ गया जो हत्थां विच झंडे लै के मनां दे विच सरकारां खिलाफ अग लै के उन्हां दे बूहे खटखटाउण नूं तैयार सी। पंजाब दे सिंगर्स, आर्टिस्ट, मजदूर, नौजवान, पत्रकार हर कोई एकजुट हो गया सी, क्योंकि सवाल सी अन्नदाता दा, सवाल सी रोजी रोटी दा, सवाल सी माँ वर्गी जमीन दा। फिर जद गल माँ दी ते परिवार दे ढिड भरन दी होवे फिर कोई किवें चुप रह सकदा सी। देखो जी, असीं अपनिया 500 किसान जथेबंदियां जिहड़ा संयुक्त किसान मोर्चा बनिया उहदे वल्लों सीगा वी 27 नूं 26 नूं तरो 27 नूं दिल्ली चलो। असीं उह सद्दे ते सारा पंजाब दा किसान, दूजे सूबिआं दा किसान इत्थे 27 नूं पहुँच गया। उन्हां ने सानूं बैरीकेडिंग करती, असीं इत्थे रुक गए। हुण साडा तां इह हैगा वी असीं 4-4 महीनां दा राशन लै के आए हैं। असीं जिन्ना चिर साडियां मंगां ते कोई पॉजिटिव रुख नहीं आउंदा सरकार दा, असीं इह अंदोलन आपदा रखांगे। तो जे सानू गाह ना जाण दित्ता फिर असीं इह जिहड़े पंजे नाके है इहनां नूं जाम करांगे। असीं किसान शांतमई ढंग नाल अंदोलन चला रहे हैं, इत्थे भी असीं आए, इन्हां ने बैरीकेड किए, असीं इन्हां नूं कहा भी बैरीकेड पासे करो, असीं दिल्ली जाणा। असीं इस जगह ते आ के बह गए हाँ, साडे वल्लों कोई भड़काट पैदा नहीं की गई। असल च सरकार हरियाणे दी वह भी कंबी पई आ, केंद्र दी सरकार भी डोली पई आ कि किसान जे दिल्ली आ गए तो साढ़े को सांभे नहीं जाने। इस करके साडा अंदोलन शांतमई आ, इन्होंने भड़काट पैदा की है, जान बुझ के गोले छड़े पानी मारिया। दोस्तों बहुत सोहना चल रहा सब कुछ, बाकी गल यह होंगी है जो कोई भी संघर्ष लड़ते हैं, अंदोलन चुने तो वो पड़ाव होंगे, उन्होंने पड़ावों एकता रखना, सबर रखना, डिसिप्लिन रखना, मेरे ख्याल से विधा होंगी है, इन्होंने कायम रखना चाहिए। बाकी महाराज जानता इन्हें महीना चलना हो या एक दिन चलना या 6 महीने चलना, पर चेहरे दसदे हो लोगों के सारे, साढ़े प्योदा जिन्हिया साड़िया मावं या जवान पीढ़ी साड़ी बैठी है सारे चढ़ती कला चाह लड़के जाएंगे। बैरीकेडिंग उधर बढ़ रही है तो नो प्रॉब्लम ब्रदर, अपना तो इतने प्रोटेस्ट चल रहा है, जहाँ उधर टिकरी चल रहा है, पलवल चल रहा है, गाजियाबाद और सारे पीसफुल मेरे ख्याल प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इतने किसी की कोई ऐसी मंशा ही है नहीं कि कोई हल्ला गुला करना जी। बिल्कुल देखो असी संघर्ष किए हैं पर इस आपदे आप ही किए हैं, जिंदगी 35 का हो गया मैं जोड़ा सिस्टम ना संघर्ष है, ये असी पहली बार वाच रहे हैं, देख रहे हैं, साडा एक्सपीरियंस है 3 महीनों का। इन सवालों के जोड़े निगर जवाब है वो जब जथेबंदियों के आगुआ को जो 50-50 साल हो गए जिन्होंने लड़द, जिन्होंने पता लगता है, कंट्यूशन होंगी है कि यार जो हम इदा का रवैया सरकार का तो हम इतने जे खड़े हैं। फिर सवेर चढ़ी 26 नवंबर 2020, सूरज भी हुई सी पर फिर भी कुछ अलग सी। उस दिन की हवा विच लोग उही सन पर उनादे मत्थे ते कुछ लिखिया होया सी जो साफ तौर ते पढ़िया जा सकता सी।
शुरुआत हो चुकी सी हाकरमाना दे पुठे समय दी, शुरुआत हो चुकी सी एक नवा अध्याय लिखण दी, शुरुआत हो चुकी सी इतिहास सर्जन दी, क्योंकि योधे निकल पए सन अपनियां सवारियां लेके तानाशाही दे किले टाउन अते सोने सुनखे सुनहरे महल बनाउन। 26 नवंबर 2020 जो हुन रहिंदे समय तक याद किया जाएगा ते आउण वालियां पीढ़ियां नस्लां इस दिन दियां गाथा सुनणगियां। कोई रुकने वाले नहीं, हौली हौली सब ना लंघ जाना ही, किन्नी देर रोक लेंगे, घंटा दो घंटा चार घंटे पानी दी बुछारा की आंसू गैस के गोले छड़े गए हूँ लाठी चार्ज करने की भी गल कि ना कि जा रही है ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਗਾ ਲਈਆਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਰੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਥਾਪਨਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਥਾਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡੋਂ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 75 ਸਿਆਂ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਪਹਿਲੇ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਲਾਈ ਗਈ ਉਹ ਪੰਨੀ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਨੀ ਗਈ ਚੱਕ ਦਾਂਗੇ ਫੱਟੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਅੰਜਾਮ ਹੁੰਦਾ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੜਾ ਦਾਂਗੇ ਬੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੈਬਰ ਪਾਸ ਤੇ ਅਫਗਾਨ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂ ਵਾਲੀਆ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਝੁੱਕ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਝੁੱਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਆ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਪਹਾੜੀਆਂ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਕਦੇ ਵਹਿਣ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੁਕਦੇ ਨਾ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਐਪਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੱਚੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਉੱਕਦੇ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਸ਼ਿਕਾਰ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਘੁਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਰੁਕਦੇ ਨਾ ਮਰਦ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਆਨ ਬਦਲੇ ਲੇਕਿਨ ਵੈਰੀ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਝੁੱਕਦੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਵਾਈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ 'ਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀਰ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਦਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੋ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰੇ ਨੇ 5 ਵਜੇ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਕਰਮਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹੱਤੇ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਪਰ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਕਾਇਮ ਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਫਤਿਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਬਣ ਕੇ ਬਸ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੱਲ ਅਣਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਕਟਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਜਾਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹਾਕਰਮਾਨਾ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਬਲਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਡਿਗਾਉਣ ਦੀ ਪਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਾਂ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਹਰ ਔਕੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾਰਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਲਾਲੇ ਡੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕੇ ਡੇਰੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੋ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਟਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 5 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਸਾਲਾਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀਓਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਇਸੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਟ ਹਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੇ ਦਿਲ ਮੇ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਚੋਟ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੱਟ ਜਾਏਗੇ ਤਬ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੋੜੇਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਕਰ ਰਹੇਗੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਜਾ ਤੂੰ
कि असी बैठे हाँ। अगर कोई किसी की कोई वाइफ है या कोई है तो कहते हाँ जी मेरे पेरेंट्स ने मैनू कहता है कि तू जा, तो यह जी चीज़ है ना एक बहुत वड्डा जज्बा है। जिमें अपने जवान फौज दे क्यों बॉर्डर दे लड़दे ने, क्योंकि उन्होंने घर की सपोर्ट होंदी है। सेम उही जज्बा अज किसान लैके इत्थे बैठा है। जे आपां पिछों इन्ने पंजाब तो लैके इन्ने जिहड़े बैरियर लगे जे वह पार करके उस तक पहुँच गए तो सानूं बहुत जाबते च रहण दी जरूरत है मेरे ख्याल च। शुरुआत हो गई सी एक नवा अध्याय लिखण दी, इह सिर्फ एक ट्रेलर सी, पूरी पिक्चर तां हजे बाकी सी। अजे ही फिल्म बनन जा रही सी जिस दे बारे शायद कदे भी किसी ने सोचा भी नहीं होना। दिल्ली दियां सरहदां, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर ते होर बॉर्डर जाने की चारों पासे तो दिल्ली नू सील कर दिता गया। सरकारां नू लग गया कि जेकर इन्हां नू इस थां नहीं दिती जाएगी तो अपने आप यह दो चार दिनों तक वापस मुड़ जाएंगे। पर यह सरकार कित्थे जानदी सी कि ये योधे सन, यूर वीर योधे जिन्हां ने उम्र नहीं वेखी, ना हड्डियां ते ना शरीर दे विच दम, ना ही मौसम, बस बना दिती एक नवी नगरी। जां कह लो हुण सरहदां ते बन गया सी एक नवा पंजाब, नवा हरियाणा, एक अजिहा मंदिर जिथे सच्चे सुनेहे सुनखे इंसान बस गए सन, जिथे रब दे बंदियां ने रब नूं हाजर नाजर मण के जंगलां दे विच मंगल कर दिते सन। शायद सरकार नूं यह भी लग्या कि किन्ने दिन रोटी पानी तो बिना रह लैणगे जां सड़कां ते ठंड दे विच रह लैणगे। पर शायद हाकरमान है भुल गए सन कि इस कौम नूं तां गुड़ती विच ही लंगर पकाउणे तां चकाउणा मिलिया, फिर भला यह किवें भुखे रह सकदे सी जां किसे नूं रहण दिंदे। लंगर लग गए, हर किसे खिड़े मत्ते रोटी खवाई गई, इत्थे तक कि वह प्रशासन के अफसर जो डांगा वारदे हुए नज़र आए वह भी उस पंगत दे विच किसानां दे नाल बह के लंगर छकते हुए भी नज़र आए, जिसने इंसानियत का असल उदाहरण दे दिता। एक जिहड़ी कैप्टन की सरकार ते बादल सरकार आ, एक साडे पंजाब दे अडानी बानी आ, इन्हां जो कराया अंदर वड़ के सब कुछ इन्हां दा बाहर आ चुकिया वा, इस वेले इन्हां झूठ जिहड़ा बाहर आ चुकिया वा। किसान की बस है, चौधरी चरण सिंह जी, शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी, चौधरी छोटू राम जी, इन्हां दी रूह जिहड़ी अज करलाउंदी होनी है कि मेरा किसान इत्थे सड़कां ते सुत्ता पिया, ते बधाइयां देण डए आ। बधाई किस चीज़ दी आ, इन्हां दी वजह नाल ही इत्थे सब कुछ हो रहा है। भाजी जो कानून मोदी सरकार ने पास किए आ, ये बस जल्दी तो जल्दी रद्द कर दे, नहीं तो फिर बड़ी बुरी हालत करांगे। अहीं पूरी तैयारी है, अगली बार जदों मैं एक दो दिन आउणा इस तों वध तैयारी करके आऊंगा। ऐतकी ते झंडे सारे पंजाब ने देखे ना, मुड़ के सारा इंडिया देखूगा। महात्मा फुले ने पूरे देश को पढ़ाया, उस धरती से हम है, हम पीछे नहीं हटने वाले, समझ में आया। और ये जो रंगा बिल्ला की जोड़ी है ना, उनका बाप महाराष्ट्र में बैठा है, ये किसानों को मालूम नहीं है। रंगा बिल्ला की जोड़ी अमित शाह और मोदी, ये जो दोनों है ना, उनका बाप महाराष्ट्र में बैठा है। तीनों कानून जो उन्होंने पास किए हैं ना, वो लोकसभा में लोकसभा में और राज्यसभा में नहीं पहले आए। ये कानून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो मुख्यालय है महाराष्ट्र में नागपुर में, उनका बाप जो है ना वो मोहन भागवत, वहां से निकला है ये तीनों काला कानून। सौदा हो सकते ने, पर कानून नहीं रद्द हो सकते। नहीं, सौदा तो बहुत जनता करते ही, सौदा नहीं, कानून वापस करा के जावांगे, कानून ही वापस कराने। लोगों का हजूम उमड़ गया सी, ठां ठां मारदा इकट्ठ गवाही भर रहा सी कि आने वाले समय दे विच एक क्रांति आने वाली है। अजिही क्रांति जिसकी पूरी दुनिया दे विच मिसाल दिती जाएगी। ट्रैक्टर ट्रालियां भर के नौजवान बीबियां बच्चे बुजुर्ग सब अपने पिंडों सूबियां तो निकल पे हाकरमाना दी ठिक ते पैरा देण दे लई। राशन पानी दी भरमार लग गई, बथेरे समाज सेवी संस्थावां वालों भी दानी सजना वालों किसानां दे हक विच आ गए। की चीज़ नहीं सी उन दिल्ली दियां सरहदां ते, सूई तो लैके पहाड़ तक सब कुछ मिलिया। किसानां ने सियाल दे मौसम विच नहाउण लई भी गर्म पानी दा भी इंतजाम कर लिया सी। इस सब कुछ वेख के हाकरमाना दी कंबणी छुट गई। उन्हां नूं आभास हो गया कि यह पतंदर हुण टलण वाले ने। फिर मीटिंग्स का दौर चल पिया, गलबात करन लई सद्या गया, टेबल टॉक्स हुई। टोटल 11 वार किसान आगुआं ते सरकार विचाले गलबात हुई, पर सारियां दी सारियां मीटिंग्स बेसिटा निकलियां।
सरकार आखदी सी कि कानून रद्द नहीं होणगे ते किसान आगू अपने अटल फैसले ते निश्चित सन कि तीनों काले कानून रद्द होणगे उस तो बगैर कुछ भी नहीं। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸੁਹਾਦਰਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਮਾਹੌਲ? ਬਸ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਹੌਲ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਟਾ ਬੇਸਿੱਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਫਿਰ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਥਪ ਥਪਾ ਕੇ 40 ਦੇ 40 ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਬਈ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿ 40 ਮਤ ਸਮਝੋ, 450 ਅਤੇ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੜੇਗਾ, ਉਸੀ ਸੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। हाँ, क्योंकि जो सिर का दर्द है ना, वो जो टैबलेट है वो बिल वापसी होते टैबलेट बिल्कुल ठीक मिल जाएगा सरकार को। हाँ, दवाई तो भाई दवाई का पता चलेगा कि कौन सी दवाई आराम करेगी उन्हें। किसानी अंदोलन दिल्ली वालों कूच कर दिया, उस तो बाद ही एफआईएल की गल होती है। हाँ, पर यही ना जो कि सरकार बदनाम करना चाहती है, सरकार इस अंदोलन तोड़ने वास्ते रस्ते लभदी पई है और यह रस्ता उन्हें लभा कि एफआईएल के नाम से बदनाम करांगे, झगड़ा होगा। असं कहांगे देखो जी किसानों का झगड़ा हो रहा है जो कि सरकार खुद करा रही है, वो किसान नहीं है, वो बीजेपी के वर्कर ने जो काम कर रहे हैं। मौसम ठंड वाला सी पर माहौल तत्ता सी, क्योंकि शहादतां दा दौर शुरू हो चुका सी। ठंड इन्नी सी कि सड़कां ते बैठे कुछ योद्धे जड़ नहीं पाए ते अपनी जमीन दी राखी दे लई अपनी जान गवा दित्ती। जदों सरकार नाल कोई भी गलबात सिरे नहीं चढ़ी, फिर फैसला किया गया कि आने वाली 26 जनवरी नूं ट्रैक्टर मार्च कढ़िया जाएगा, एक अजिही परेड जो युवा तक याद की जाएगी। प्रशासन ते किसान आगुआं विचाले एक रोड मैप तैयार होया ते सहमति बनी ट्रैक्टर परेड दी। 26 जनवरी ओ दिन जो इस जनून ते सुकून भरे किसानी अंदोलन लई काला दिन बन गया। ना चाहुंदे हुए भी जिथे एक साल किसान अंदोलन दे नाल रहिंदी उम्र तक याद किया जाएगा, उथे 26 जनवरी नूं भी काले दिन वजों चेते किया जाएगा। होया इंज कि सब कुछ सही चल रहा सी, सब कुछ ठीक सी, नौजवानों में जोश सी ट्रैक्टर परेड नूं लैके, पर रूट मैप तैयार किया गया सी पर राह वक्खो वक्ख हो गए। कुछ किसान नौजवान ते रूट मैप ते निकले जिथे राह विच लोकां वल्लों उन्हां ते फुल्लां दी वर्खा की गई ते कुछ नौजवान जां कह लो एक तबका लाल किले ते पहुँच गया ते उत्थे जाके निशान साहिब चुला दिता गया। सब कुछ उथल पुथल हो गया, खूब सियासत हुई। नवनीत वर्गे नौजवान उस सियासत अते होची राजनीति दी पेंट भी चढ़ गए ते शहादत पा गए। किसान आगुआं वालों भी गल तो पिछा छुड़ाया गया ते हाकरमाना नूं मौका मिल गया, जां कह लो कि वो अपनी साजिश विच कामयाब हो गए। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਰੂਟ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਰੂਟ ਪਾ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ ਆ। ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੁਰਾਲੀ ਸਾਈਡ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਬੁਰਾਲੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਕੀ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਟ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਧਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ 'ਚ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਨਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰੂਟ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਆਮ ਲੋਕ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਹਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਸਵਾਮੀ ਸੋ ਤੁੱਕ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਜੋਸ਼, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬਾਬੇ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ, ਇਨ ਸਭ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਢਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ NRIs ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ।
पंजाब सिनेमे दे अदाकार भी नाल ही जंग विच अपनी सब कुछ छड़ के शूटिंगा छड़ के पक्के डेरे लाउण नूं सरहदां ते किसानां दे नाल बह गए। जद लग्या सब कुछ हुण ठीक होण लगा, सब वापस संभल गए, तां फिर हाकरमाना कोलों किसानां दा ए जोश बर्दाश्त नहीं होया। एक हनेरी रात आई जदों गाजीपुर बॉर्डर ते तांता लग गया, भीड़ कट्ठी हो गई। यह भीड़ सी सरकार दे डर ते बौखलाहट दा नतीजा। हजारों फोर्स पुलिसकर्मी सब कट्ठे हो गए सन। बिजली पानी नैट सब बंद कर दिता गया सी। फिर राकेश टकैत दे हंजुआ ने सैलाब लिया दिता। उस समा जद घरों बैठे अद्धी रात नूं भी लोग अरदासां कर रहे सन। उस वेले राकेश टकैत दी अख विचों डिगे हंजुआ ने सारे लोग बदल के रख दिते सन ते किसानी अंदोलन की पहली जित उस दिन हो गई सी। आंदोलन को खत्म करने के साथ बीजेपी आंदोलन खत्म नहीं होगा। आंदोलन खत्म नहीं होगा। पूरे देश के किसान बर्बाद कर देते हैं। क्या क्या बात देश के किसान को बर्बाद करना चाहते हैं? नहीं होगा। ये देश का किसान ये 5 लाख ट्रैक्टर दिए गए है, मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? पूरा घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारी किसान को बर्बाद करने लगी। नहीं छोड़ने का। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे, तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। साजिश खुल गई। नहीं खाली करने का। नहीं, मेरे मेरे किसान को मारने की कोशिश करी जा रही है। ये साजिश है। किसान को मारने की साजिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जितने यहाँ पर लोग हैं, उनके मारने की साजिश रची जा रही। बीजेपी के विधायक यहाँ पे हैं, उनके 300 लोग यहाँ पे हैं, लाठी डंडों और गोलियों से मौजूद हैं। यहाँ के पुलिस प्रशासन और पुलिस के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये अत्याचार है किसान के साथ में, देश के किसान के साथ में गद्दारी है। ये नहीं होगा, नहीं होने का। मैंने 7 दिन तक साथ दिया अपने किसान को। मैंने यहाँ पे बुलवाया, सुरक्षित यहाँ से वापसी भेजा। लाल किले पर झंडा यहाँ पे मोदी के साथ में फोटो खिंचवाने वाले ने कहा, जब तक कार्रवाई नहीं होगी, अगर पुलिस प्रशासन यहाँ पर आएगा, उसका इल्जाम वो पूछ लगा। गांव के लोगों से अपील है, घबराने की जरूरत नहीं है। ना गांव के साथ में धोखा हो जाएंगे, किसान के साथ में धोखा हो जाएगा। और आएंगे किसान के साथ में धोखा हो जाएगा। कानून वापसी हो गए जिस कोच के लिए आए हैं, यहाँ से आंदोलन जारी रहेगा। एक बार फिर नवे सिलसिले दे नाल किसानी अंदोलन की हुण शुरुआत हुई। विदेशों विच भी लोग सड़कां ते उतर गए, रोस मुजहारे किए गए, मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। सियाल का मौसम, हड़ कंबाऊ ठंड ते सड़कां ते बैठे किसान कल्ले नहीं सन। विदेशों विच भी बैठे पंजाबी भैण भरावां ने सड़कां ते उतर के ठंड विच रातां गुजारियां ते भारत दी सरकार नूं सिद्धे तौर ते हुंगार दित्ती सी, जां कह लो चैलेंज कर दित्ता सी कि भावें देश होवे जां विदेश, असी कट्ठे हाँ ते जवाब लै के रहांगे, जित के ही परतांगे। नो फार्मर्स नो फूड दे स्लोगन दुनिया भर विच चौंकां, चुबारियां, सड़कां, स्कूटरां, गड्डियां, हर कोने दी दीवार, हर जुबान ते नजर आउण लगे। जिसने सरहदां ते बैठे किसानां नूं हल्ला शेरी दिती कि तुसीं कल्ले नहीं हो, असीं सब तुहाडे नाल हां। फरवरी मार्च अप्रैल जिस विच पंजाब दा ते खास करके किसानां दा सब तो वड्डा त्यौहार विसाखी भी आया, वह भी उत्थे ही मनाए गए।
सारे तीज त्यौहार सब कुछ किसानों वालों उत्ते ही मनाए गए पर खुशियां फिक्कियां नहीं होने दीतियां। सो मैं समझदा अज दा दिहाड़ा जद दसवें पातशाह ने इत्थे 80,000 दा पंडाल लग्या सी सिक्की साजी सी क्या समा होगा है उस धरती दे उत्ते आके अपने गुरु तो सेध लेनी सारे लोग चिंतन करना और यह महसूस करना कि मैं कितने गलत हाँ मैनू अपना फर्ज मेरी वतन के प्रति मेरी मिट्टी के प्रति जिहड़ा है वह पूरा करना चाहिए बस मेरा इन्ना ही मकसद होका दे जिहड़ा साडा मतलब है आ कुछ करन दा यही है कि लोगों नू असीं एकजुट करिए होर उन्हां दे विच हौसला ते हिम्मत भरीए सब नू बेनती करिए कि रल के ऐदा एक पंजे अंगुलां नू दसे अंगुलां नू जोड़ के इस तरीके नाल एका करके अगे वध होना और एक ना एक दिन जित जिहड़ी आ उह साडी संघर्ष दी होई। गुरु साहिब दा ही महावाक है कि तिन चर मूल ना थोड़ी दे जिन चर आप कृपाल धन अखुट बाबा नानका खाए खर्च धन माल। सो मोर्चे दे उत्ते किसान तां की दुनिया आके उत्ते बह के लंगर छक के चली जावे 10 साल भी संघर्ष चलेगा ते महाराज ने कदे किसी चीज की कमी नहीं आन देनी। चढ़दी कला च रहो जिंदाबाद रहो हमेशा। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। विसाखी दियां लख लख मुबारक। इस दौरान शहादतां दा दौर भी चलता रहा। आए दिन किसी ना किसी किसान की शहादत की खबर भी सामने आई पर यह योधे टुटे नहीं बल्कि हर शहादत दे नाल होर मजबूत होंदे चले गए। 26 मई नूं सरहदां ते 6 महीने पूरे होण दा जश्न मनाया गया। किसानां वालों सरकार नूं हुंगार के 6 महीने दर्शाउंदे सन कि समा जिन्ना मर्जी वड्डा हो जावे पर जब तक ए जालम सरकार झुकेगी नहीं तब तक ए आंदोलन जारी रहेगा। यह तो एक ब्लैक फ्लैग डे है। आज हम अपने घरों पर काले झंडे लगाएंगे, अपने वाहनों पर काले झंडे लगाएंगे और अपने बाहों पर काला रिबन बांध के रखेंगे। एक ही व्यवस्था है कि हम कोरोना का गाइडलाइन का पालन करें। कोरोना की व्यवस्था एक ही है तो उसके लिए हम लोगों ने भीड़ को रोका हुआ है। इसीलिए हमने गाँव की कॉल दी है कि हर किसान अपने गाँव में मनाएगा, उसको यहाँ ना आना पड़े। गांव में ही विरोध प्रदर्शन करेगा, अपने घरों पे झंडे लगाएगा, ट्रैक्टरों पे लगाएगा और इसका भारत सरकार का पुतला फूंकेगा। तो हमारे जो हमारा नेतृत्व है उसने कहा कि यहाँ इकट्ठे नहीं होना, लेकिन रूटीन में हम आए हैं। हमने लोगों को रोक रखा, सब वहीं रुके हुए हैं। मैं वहाँ का जिलाध्यक्ष हूँ, हमारे यहाँ से कोई नहीं आ रहा और सब लोग वहीं पर विरोध प्रदर्शन करेंगे, गाँव लेवल पर, खेत लेवल पर और जैसे भी दो चार जहाँ भी अपने घर पे हैं वहाँ विरोध प्रदर्शन काले झंडे लगाएंगे। काले झंडे का मतलब है हम उन कानूनों का विरोध करते हैं और गवर्नमेंट की इस नीति का विरोध करते हैं। 6 महीने 1 दिन हो गया, आज गवर्नमेंट सुनने को तैयार नहीं किसानों की बात। आखिर हम लोगों ने गवर्नमेंट को चुना है तो उस गवर्नमेंट को सुनना चाहिए ना। समा लंघदा जा रहा सी, किसान महापंचायतों का दौर भी शुरू हो चुका सी। पंचायतों में ठाठा मारदा इकट्ठ दस रहा सी कि लोग हुण सुचेत हो गए हैं। लोगों को पता लग गया है कि आखिर यह लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं हर उस आम नागरिक की है जो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का ढिड भरता है। इस किसानी अंदोलन ने गूंगियों को भी आवाज दे दी, पाव राइट टू स्पीक। यह मनुखी अधिकार वैसे सिखाया तो बचपन तो ही स्कूलों में किताबों के जरिए जाता है, पर अफसोस लोकतंत्र के वड्डे वड्डे दावे करन वाली जालम सरकार आज तक यह हक खोंदिया ही आई ने। कहते हैं जब घड़ा उत्तों तक भर जाए तो फिर पानी का रुड़ना तय होता है। सो इस फार्मर हेजिनेशन ने इन्ना तो दस दिता ज सही शब्दों में कह लो कि जागरूक कर दिता कि असी किस तरह अपने हकों की वरतों कर सकते हैं, असी किस तरह अपने हकों की आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। जरूरी नहीं हर लड़ाई हथियारों के नाल ही लड़ी जाए, सबर संतोख संयम भी कदे कदे वड्डी तो वड्डी जंग जिताउण लई वड्डे हथियार साबित हो सकते हैं। शायद हुणे गल उन्हां नूं समझ आ गई होवेगी जिन्हां ने किसानां खिलाफ लठ जाने की डांगां चलाउण दी गल आखी सी। उसे तानाशाह सरकार दा एक सूबे दा राजा जां कह लो जालम सियासतदान। ये नाका नहीं टूटना चाहिए हर हालत में, क्लियर है आपको? यस सर। भाई एक्शन करोगे? यस सर। पक्का? साथियों मालूम हुआ है कि करनाल के अंदर जरूरत से ज्यादा करोड़ता पे सरकार उतराई है और वहाँ पे इकट्ठे भी नहीं होने दे रहे हैं और वहाँ पे आर्डर दिया गया है कि जो आता है उसको लठ मारो। करनाल के अंदर आज मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था तो हमारे लोग बस्ताड़ा टोल पे जो करनाल से करीब 15 किलोमीटर दूर है वहाँ पे इकट्ठे हो रहे थे
वहीं पे जाके पुलिस ने उनको घेरा है और बहुत बुरी तरह से लाठीचार्ज किया है। साथियों, ये पुलिस की गुंडागर्दी है, सरकार की गुंडागर्दी है और इसका हमें डटकर मुकाबला करना है। हमने करनाल जाना था, इनके पास सीएम के ऑर्डर थे कि किसान करनाल नहीं होने चाहिए, जो मर्जी करो करनाल नहीं होने चाहिए। हमने कहा कि हम जीटोर जाम कर देंगे, हम शांति को जीटोर जाम कर रहे थे, इन्हें लाठीचार्ज शुरू कर दिया। घटनीय और निंदनीय योग है सरकार का, जो ये नीति कर रही है ये बहुत ही निंदनीय योग है। अगर इसने प्रोग्राम करना है तो चुप चुप के क्यों कर रहा है? ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है और पॉलिटिकल एजेंडे का जवाब या तो दे सकते हम सरकारी कोई भय का वातावरण बना करके, डंडा उठा करके। आज हम कोई किसी प्रदर्शन को या किसी चीज को दबाना हो तो सरकार के एक ऑर्डर से वो खत्म हो सकता है, लेकिन अपने को पता है कि आखिर तो प्रदेश अपना है, समाज अपना है और ये जो विद्रोही मूड लेकर के बैठे किसान ये भी अपने हैं, ये किसी और के तो है नहीं। कोई ऐसे तो हम नहीं कह सकते हमारे को दुश्मन है। माथा खराब कर देते हैं कई बार लोग, कभी कोई लालच देके, कभी कोई लालच देके, ये अपने मंसूबे उनके राजनीतिक होते हैं। लेकिन जितना बड़ा ये सारा सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि इसको हम, खास करके हमारा जो किसान मोर्चा, ये अगर एक्टिव हो तो ये संभाल नहीं सकता। कुछ नए किसानों के जो संगठन और उभर रहे हैं उनको भी प्रोत्साहन देना पड़ेगा, उनको आगे चलाना पड़ेगा। और अगर हर जिले में, खास करके ये उत्तर और पश्चिम हरियाणा के, दक्षिण हरियाणा में समस्या ज्यादा नहीं है, लेकिन उत्तर पश्चिम हरियाणा के हर जिले में अपने किसानों के 500-700 हजार लोग आप लोग अपने खड़े करो, उनको वॉलंटियर बनाओ और फिर जगह जगह सठे साठम समाचारे, क्या अर्थ होता है इसका? सठे साठम समाचारे क्या अर्थ होता है, कौन बताएगा? तो अंग्रेजी में बता दिया ना, हिंदी में बता, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, खा लो ठंडे, हैं? ठीक है। जिथे इस किसानी अंदोलन ने 26 नवंबर 26 जनवरी वर्गे तशद्दत देखे, उथे हरियाणे दे हांसी विच होया प्रशासन ते सरकार वल्लों तशद्दत भी नहीं भुलाया जा सकता। गल सिर्फ प्रदर्शन दी सी, सरकारां नूं जगाउण दी सी, पर सरकार वल्लों अपनी असली औकात विखाउंदे होए निहत्थे किसानां ते डांगां वरसा दित्तियां गया ते किसान नूं सूली चढ़ा दित्ता गया। हरियाणा दे हांसी विच होया तशद्दत दस रहा सी कि सरकार किन्ने क बेबस हो चुकी है। दरअसल वो अंदरों टुट चुकी सी क्योंकि चारे पासे विरोध हो रहा सी। हाकरमाना नू अपनी कुर्सी दे चारों द्वाले खतरे दे बदल मंडरौंदे होए नजर आ रहे सन। कहिंदे हन विनाश काले विपरीत बुद्धि, कुछ इस तरह दा ही औरंगजेब वर्गी सरकार दे नाल हुण होण लग गया सी। ताही ता अंदर दी आत्मा जमीर सब कुछ मर चुकिया सी, जिसका नतीजा इंसान दे नाल जानवरां वर्गा वतीरा हो रहा सी। हांसी दे विच होए हमले तो बाद किसानां ने हरियाणा सरकार दे खिलाफ वक्रे तौर ते आवाज़ बुलंद कर दिती, धरने ला दिते, मजबूर कर दिता जालम सरकार नूं चुकण दे लई ते अपनी गलती नूं सुधारण दे लई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तरीय ये बैठक थी, इसका विरोध जो उन्होंने कल कॉल दी, मैं उसकी निंदा करता हूँ। किसी भी कारण से किसी भी संगठन के कार्यक्रम में व्यवधान डालना, ये अपने आप लोकतंत्र विरोधी कदम है। दूसरा, अगर वो उन्होंने कोई प्रदर्शन करना था शांतिपूर्वक करते, कहीं कोई आपत्ति नहीं थी। पहले उनकी और एक समय में हमारी उनकी एक अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उस शांतिपूर्वक प्रदर्शन में अगर वो पुलिस के ऊपर पत्थर मारते हैं, हाईवे को जाम करते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस को भी कुछ काम करना होगा। अब उसमें एक बातचीत करके बताएंगे कि किसकी जाति है, पुलिस की जाति है तो भी दंडित किया जाएगा, किसानों की जाति है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली विच, पंजाब विच, चौंकां ते, गलियां विच, नुक्कड़ां ते, चारे पासे किसानी आंदोलन चल रहे सन। मीटिंग्स, महापंचायत सब चल रहा सी, ओ भी शांतमई ढंग दे नाल। धरने दे स्टेज ते भी सरकार खिलाफ आए दिन किसी ना किसी बुद्धिजीवी वालों हुंगार मारी जा रही सी। दिन महीने निकलते जा रहे सन पर सरकार टस तो मस होण दा नां नहीं लै रही सी। बीजेपी दे लीडर्स वालों किसानां नूं अतवादी, खालिस्तानी, बहरूपीए ते न जाने होर किन्ना कुछ आख्या जा रहा सी। नैशनल मीडिया वालों भी
ਕੁੜੱਤਨ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼, ਗੁੱਸਾ, ਜਨੂਨ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਰੀਖ ਸੀ 3, ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ, ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ ਐਤਵਾਰ ਦਾ, ਸਮਾਂ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਪਿੱਛੋਂ ਆਈ SUV ਗੱਡੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਕਿਸਾਨ, 1 ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਣੇ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਨੁੱਖੀਅਤ ਦਾ ਅੰਤ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ BJP ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸਿਆਸਤ ਪੱਕ ਗਈ, ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਤੋ ਆਪ ਇੱਕ ਅਰੈਸਟ ਕਾ ਵਾਰੰਟ ਨਿਕਾਲੀਏ, ਹਸਕਰੀ ਲਗਾਓ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਝੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਗੈਰ ਕਿਸੀ ਵਾਰੰਟ ਕੇ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੀ ਆਰਡਰ ਕੇ। ਯਹਾਂ ਪੇ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, 140 ਹੈ, 4 ਲੋਕ, ਹਮ 2 ਲੋਕ ਹੈ, ਬਤਾਓ ਕਿਸ 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 ਆਧਾਰ ਪਰ ਮੁਝੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਪਰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਝੇ। ਆਈਏ ਆਈਏ ਦੀਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਯਹ ਉਹਨੇ ਸਾਂਸਦ ਹੈ, ਵੋ ਸਾਂਸਦ ਹੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੇ ਲੈ ਜਾਏਂਗੇ ਆਪ ਲੋਗੋ ਕੋ। ये क्या तरीका, आप सांसद के साथ ये बिहेव करोगे? भैया छोड़ो उनको, बैठेंगे बैठेंगे मैडम के साथ बैठेंगे, हम इससे करिए काम। प्यार से बात करोगे, बैठाओगे, हम बैठाएंगे। ये जो तरीका कर रहे हैं ना, ये जो कर रहे हैं ना, करते तो वो चीज करो ना, फिर नहीं तो मैं यहाँ से नहीं हिल रही हूँ। और तुम मुझे उस गाड़ी में बिठाओगे तो तुम्हें किडनैपिंग का चार्ज लगाऊंगी मैं, और पुलिस को नहीं तुम्हें लगाऊंगी, समझे? इधर आओ, आगे आओ। तुम क्यों इनको आगे कर रहे हो? महिलाओं को डरते हो क्या? महिलाओं से क्या डरते हो? महिलाओं से, महिला से डरते हो? मामला बिगड़ गया। बिगड़ता भी क्यों ना, जदों ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੇਹ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਝਾੜ ਲਾਈ ਗਈ। ਹਜੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਠੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਸੌਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਜਿਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਚਾਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਾਰ ਜੁੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਖਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਗਈ। ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਰੀਕ ਚੜ੍ਹੀ 19 ਨਵੰਬਰ, ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੀ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਸੁਣ ਲਏ ਅਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਹਾਕਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਮਾਂ ਸੀ ਸਵੇਰ ਦੇ 9:30 ਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ TV 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਇਹ ਬਤਾਨੇ ਆਇਆ ਹੂੰ ਕਿ ਹਮਨੇ 3 ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੋ ਕੋ
वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है, अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे, आइए एक नई शुरुआत करते हैं। आखिर वड़पागा दिन आया जद किसानी आंदोलन की जित हुई, जदों हर बुजुर्ग नौजवान बीबी भैन भरा बच्चे की जित हुई, जिसने इस क्रांतिकारी आंदोलन दे विच अपना हिस्सा पाया। जिथे हर कोई खुश होया भंगड़े पाए गए, उत्थे ही किसान आगुआं वल्लों ज़्यादा खुशी जाहर ना करते हुए सरकार ते अविश्वास जताया गया। कहा गया कि जब तक लोक सभा ते राज्य सभा दे विच कानून वापस नहीं होंदे तदों तक यकीन नहीं किया जाएगा। 29 नवंबर 2021 नूं लोक सभा ते राज्य सभा दे विच कानून रद्द हो जाते हैं। आखिरकार उस समा उस दिन आ ही जाता है जदों 700 तो उत्ते दियां शहादतां दा मुल पैंदा। चीनी जो कालने कानून थे, आखिरी में सरकार को ये इसके बारे में इसका प्रतिक्रिया क्या हो रहा है, देश में किस ढंग से इसको स्वीकार किया जा रहा है, ये सभी मालूम होने के बाद अब ये तीन बिल उन्होंने वापस लिए। आपकी बात रिकॉर्ड से जाकर किसानों की भलाई के लिए लाई थी, लेकिन हम सब लोगों को इस बात का दुख है कि कई बार प्रयत्न करने के बावजूद भी और जो कांग्रेस पार्टी के लोग अपने घोषणा पत्र में रखने के बाद भी उस पर दोहरा रुख अपनाते रहे। हम किसान की बात ही रिकॉर्ड से जा रही है, उनको संक्षेप में मान लीजिए मंत्री जी रखे, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक बड़प्पन का परिचय दिया और गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व पर उन्होंने इनको वापस लेने की घोषणा की। यह प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी की एक रूपता का परिचायक है कि रिपील करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। सत्ता पक्ष भी तैयार है और अपोजिशन भी मांग करता रहा है। ढोल नगाड़े बैंड बाजे गिद्दे भंगड़े लड्डू ढोलों के नाल जश्न मनाए जाते हैं, पर पेच फस जाता है MSP दे काले कानून के उत्ते, क्योंकि किसानी आंदोलन की शुरुआत ही दो चीज़ों को लेके हुई सी, एक MSP ते लिखती कानून ते दूजा तिने कले कानून रद्द। किसान आगू चिट्ठी राही अपनी मंगा सरकार दे मूरे रखते हैं। गलबात होंदी है, थोड़ा समा होर निकलता है ते फाइनल ड्राफ्ट रेडी होंदा है, जदों सरकार ते किसानां दे विच सहमति बनती है अते असल मायने दे विच किसानी आंदोलन की जित होंदी है। 11 दिसंबर तरीक मुकर्रर हो जाती है फतेह दिवस मनाने की। एक साल के से ज्यादा कुछ दिन बाद जब भी आंदोलन शुरू हुआ 26 नवंबर को पिछले साल, एक साल लगातार सारे देश के किसानों ने और हर एक ने अपनी तरफ से जो दम पाया इस आंदोलन की सफलता के लिए किया, सबका धन्यवाद। और आज एक बड़ी जीत लेके जा रहे हैं, एक अहंकारी डिक्टेटर ट्रंप सरकार को झुका के हम यहाँ से जा रहे हैं। अभी जो हमारा आंदोलन है वो जो सरकार ने वादे किए हैं उन वादों के अनुसार अभी आंदोलन को हम स्थगित कर किया है और हर महीने उसकी समीक्षा करते रहेंगे। 15 जनवरी को फिर SKM की मीटिंग बनाई है, अगर सरकार अपने वादों से गायब हिलती है तो फिर हम फिर उस स्तर को शेयर कर जाएंगे और फिर दोबारा आंदोलन करने का फैसला लिया जा सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा की ऐतिहासिक जीत है और कल के दिन जैसे एक तरह का शोक दिवस होगा, उसके बाद
हमने फैसला किया है कि 11 तारीख को हमारे किसान जो है अलग अलग जगह से उठेंगे। धन्यवाद। 11 दिसंबर वो दिन आखिरकार आ ही जाता है जिसका उड़ीक पिछले एक साल तो कीती जा रही सी। एक अख विच खुशी ते एक अख विच गम दे हंझू लै के अपने घरां नूं वापस परतन नूं तैयार हो जाते हैं यूरवीर योधे। उत्थे वापसी की तैयारी करते हुए आपस विच दो यार गल करते हुए रजाई दी तह लाउंदे होए कहिंदे कहिंदा यार उठ अज आपां घरां नूं जाणा है। कहिंदा की छड के चलने आ? कहिंदा पाणी वाली टोप दी नाल उत्ते बूट दा निशान सड़क दे कंडे ते लाया होया ते लाडां दे नाल पालिया होया धनिया खुंडियां दियां नोकां ते भार राजधानी दी हिक विच कितियां होईयां मोरियां हवा विच वड्डी होई बेपरवाही ते बेखौफ हासे। की लैके चले हाँ? कहिंदा जुरत जिगरा ते जित। कहिंदा ठीक है ट्रैक्टर होली क्यों चल रहा? ट्राली तो खाली है। कहिंदा गौर नाल वेख भरी हुई है। कादे नाल? रेस ते पैर रख के कहिंदा हकां दे नाल। फतेह अरदास हुंदी है चकारियां दी गूंज विच चारे पासे मिठी हवा वगदी हुई ते शान मान दे नाल चाले पा लिते जांदे हन अपने सोहणे पंजाब नूं अपने घरां नूं। मोर्चा फतेह कर लिया गया ते आखिरकार हुण घरां नूं जा रहे ने किसान। तुहानूं दिखाया तस्वीरां दिखाईआं ने सिख धर्म दे लोग भी है मुस्लिम धर्म दे लोग भी जिहड़े इत्थे पहुंचे हुए ने और सारिआं ने इस अरदास दे विच शमूलियत की बाद दे विच जकारे लगाए गए ने कि हमारे जितने साथी यहाँ पर संघर्ष में बैठे हुए थे तो तमाम के तमाम के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इनके सफरों को आसान करें और इनको अपने घरों के साथ जो है खुशी और खुर्रम के साथ अपने घरों को लौटें। इस किसान आंदोलन ने सभी के रिश्तों को जोड़ा है और मजबूती से जोड़ा है। आज मुझे भी महसूस हो रहा है कि आज हमारे बाबा जी हमें छोड़कर जो है पंजाब जा रहे हैं लेकिन हम बाबा जी को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अपना सारा कुछ लैके वापस पंजाब चले किसान जित दी खुशी है। जो चीज मिथ के आए सी आखिर वो लैके चले ने इस अंदोलन की सब तो वड्डी कामयाबी यही है। तो तुहानू लगता है कि हुण इत्थों एक नवा पंजाब सानू मिल सकदा नवा यूथ मिलेगा नवी सोच? बिल्कुल मिलेगा बिल्कुल मिलेगा क्योंकि अज तक आही इतिहास रचते आए हैं। 37 साल पहला 84 आई सी 84 तो 37 साल पहला 47 आई सी आउंदी रही है पंजाबियों जित फतेह करते रहे हैं। तो इहदे विचों जिहड़ी साडी नवी जनरेशन आ सानू अंदोलन करना सीख गए असी भी किद्दां अंदोलन दे करीदा किद्दां सरकारां नू अल्टीमेटम देईदा किद्दां दबाव पाईदा आ चीज़ां देखते हुए असी सरकारां दे अंदोलन दे पंजाब जाके भी इदां अंदोलन करांगे कर्जा माफ़ी का भी करांगे सिक्ख्या वधिया करांगे सोने की चिड़ी पंजाब द्वारे बना के दिखावांगे असी। दिल्ली तेरी हिक दे उत्ते चले जित दा निशान बना के कितियां जे हेरा फेरियां मुड़ आवांगे घरां नूं हाथ ला के। इतिहास दे सुनहरी अखरां दे विच दर्ज होया किसानी अंदोलन पीढ़ियां ते पीढ़ियां याद करनगियां ते सेध देणगियां कि किस तरह सबर संतोख ते संयम दे नाल सरकारां नूं ढाया जा सकदा है।